कुरैश का नौजवान मोहम्मद है, बनी हाशिम से ताल्लुक है जो काबे के मुतवल्ली हैं। आज का उन्वान है कामयाब ताजिर। नस्तूरा उठकर रसूलुल्लाह के करीब आ गया, रसूलुल्लाह का माथा चूमा और कहा, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही नबी हैं जिसका जिक्र तौरात और इंजील में पाया जाता है। आप वही हैं जिसकी बिशारत अल्लाह के नबी ईसा ने दी थी। मैसरा ये सब देख रहा है, वो तो पहले ही सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात से मुतासिर है, अब उसकी हैरत बुलंदियों पर है। मैसरा ने ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। उसने रास्ते भर देखा कि रसूलुल्लाह की ज़ात पर कोई साया किए हुए है। बुसरा में तिजारत करते हुए रसूलुल्लाह का किसी ताजिर से इख्तिलाफ हो गया। उसने रसूलुल्लाह से कहा, आप लात व उज्जा की कसम उठाएं। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मैंने कभी उनकी कसम नहीं उठाई, कभी उनके पास से गुजरूँ तो मैं अपना मुँह दूसरी तरफ फेर लेता हूँ। आपकी बात सुनकर वो ताजिर मैसरा को अलहदा ले जाकर कहने लगा, खुदा की कसम ये नबी हैं, इनकी खूबियां हमारे उलमा हमारी किताबों से बयान करते रहते हैं। रसूलुल्लाह ने मक्का से लाया हुआ सामान तिजारत बेच दिया है, सामान जल्द और दो गुना कीमत पर बिक गया है। मैसरा ने सैयदा खदीजा को सफर में पेश आने वाले वाकयात बताए। रसूलुल्लाह की कारोबारी महारत, खुश मामलगी, लोगों से हुस्न सलूक और इंसानी अकदार के बारे में तफसील से बताया है।